अमेरिका के संपादक ने तीन प्रश्न किए भारत से, उसके उत्तर आज 70 वर्ष हो गए आज तक मिल नहीं पाए। मैं आपसे करता हूं वो प्रश्न। अमेरिका के एक संपादक ने भारत के सांसद से पूछा, सन 1958 में उसने पहला प्रश्न पूछा कि आपके देश का नाम क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मेरे बच्चे बैठे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? नहीं मालूम? बोलो, क्या नाम? गर्व से बोलो जरा, हमारे देश का नाम क्या है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर इंडिया नाम कैसे हो गया? ध्यान रखिए, मेरे देश का नाम तो भारत है ना, इंडिया नाम कैसे हो गया? इतनी नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां से संकल्प लेना कि हम अपने देश को कभी इंडिया कहकर के नहीं बुलाएंगे। मेरा देश भारत है, मेरा देश भारत है, ये इंडिया नहीं हो सकता है। जब जब मेरे देश को कोई इंडिया कहता है तो मुझे 100 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है आपको, ब्रिटिश हुकूमत ने आपको इंडिया नाम दिया है। अरे जब जब इंडिया कहोगे तो हमें गुलामी के दिन याद आएंगे, और जब जब भारत कहोगे तो ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती याद आ जाएंगे, राम भ्रात भरत याद आएंगे, शकुंतला पुत्र भरत की याद। भारत संस्कृति है, भारत कहकर बुलाए, इसे इंडिया बिल्कुल ना कहे। गुलामी की भाषा ये गाली है हमारे देश पर बहुत बड़ी भारत। इसलिए ज्यादा प्रसन्न हूं कि 71वीं आजादी का वर्ष मनाने का अवसर मिला है। जापान एक राष्ट्र, अमेरिका एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, और पड़ोस का तो नाम लेने ही बेकार है। रूस एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, और भारत भी एक। लेकिन इन राष्ट्रों में मेरा राष्ट्र थोड़ा अलग है। ध्यान रखना, सब दुनिया में राष्ट्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भारत ऐसा है जो राष्ट्र भी है, और राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है, और महाराष्ट्र में 100 राष्ट्र भी, 100 राष्ट्र इसी देश में, महाराष्ट्र राष्ट्रों में भी महाराष्ट्र। बोलो ना, जय महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि राष्ट्र में महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में 100 राष्ट्र, गुजरात चलेगा 100 राष्ट्र मिल जाएगा। ऐसा देश तो दुनिया में केवल भारत हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पैसा आपके पास हो जाए, दुनिया भर के देश घूम के आ जाना, और जब पूरी दुनिया को घूम कर आ जाओगे और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरोगे और सारी दुनिया में जो देखा है उन्हें थोड़ा सा याद करोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। भारत से अच्छा कोई देश नहीं।